Hi everyone, you are watching ConceptTech 2018. On the request from all of you regarding videos on 8051, I am starting a complete series of videos providing A to Z information about microcontroller 8051. This series will include hardware as well as the software, that is the programming part. And lastly, some projects based on this microcontroller will be discussed. So after watching this complete series, you will understand everything about this board, the components mounted on the board, and you will become an expert on microcontroller. Hi everyone, this is part 3 in the series of microcontroller. और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 8051 का पिन डायग्राम डिटेल में। जैसे कि इस फिगर में है, 8051 एक 40 पिन की आईसी है। अब हम आईसी की हर पिन को डिस्कस करेंगे, उसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। हर आईसी की तरह इस आईसी में भी ग्राउंड और पावर का कनेक्शन है। ग्राउंड कनेक्शन है पिन नंबर 20 पे और पावर है पिन नंबर 40 पे। उसके बाद इस आईसी में रीसेट पिन है पिन नंबर 9 पे, जो कि माइक्रोकंट्रोलर को रीसेट या रीस्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके पास क्लॉक कनेक्ट करने के लिए दो पिन हैं पिन नंबर 18 एंड 19, और क्लॉक पिन से ही माइक्रोकंट्रोलर की स्पीड डिसाइड होती है जिस स्पीड पे ये काम करेगा। माइक्रोकंट्रोलर की 40 पिन में से 32 पिन्स जो हैं वो 4 आईओ पोर्ट्स के लिए अलॉटेड हैं, क्योंकि चारों आईओ पोर्ट्स 8 बिट के हैं तो 8 4 32, ऐसा ये 32 पिन्स आ गई। और इसके अलावा कुछ और एडिशनल सिग्नल्स हैं जैसे PSEN बार है, ALE है या EA बार है। ये तीनों सिग्नल्स तब यूज़ करते हैं जब माइक्रोकंट्रोलर के साथ हम एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करते हैं। अब हम इन सारे पिन्स को, सारे सिग्नल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीसेट पिन यानी RST जो पिन नंबर 9 है। रीसेट पिन माइक्रोकंट्रोलर की एक इनपुट पिन है और इस पे जो सिग्नल आता है वो एक्टिव हाई सिग्नल आना है। इसका मतलब होता है कि जब इस पिन पे सिग्नल हाई जाएगा तब माइक्रोकंट्रोलर जो है वो रीस्टार्ट होगा, पावर इनिशियल कंडीशन पे आएगा। इस सिग्नल को 2 मशीन साइकिल्स के लिए हाई रहना पड़ेगा ताकि माइक्रोकंट्रोलर जो है वो रीसेट हो सके। माइक्रोकंट्रोलर जब रीसेट होता है तो सारी एक्टिविटीज़ को टर्मिनेट कर देता है और अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाता है। ये टेबल सारे रजिस्टर्स की वैल्यू दिखा रहा है जब हम माइक्रोकंट्रोलर को रीसेट करते हैं। जैसे पीसी इस प्रोग्राम काउंटर, रीसेट में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0 हो जाती है। प्रोग्राम काउंटर जो है उसमें वो एड्रेस स्टोर होता है जहाँ से माइक्रोकंट्रोलर जो है वो एग्जीक्यूशन करता है। तो प्रोग्राम काउंटर रीसेट होने का मतलब है माइक्रोकंट्रोलर अब एग्जीक्यूशन 00 से शुरू करेगा। बाकी सारे रजिस्टर्स भी 00 हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द स्टैक पॉइंटर, उसकी वैल्यू रहती है 07H। और चारों पोर्ट्स P0 टू P3 चारों पोर्ट्स जो है वो FF वैल्यू ले लेते हैं, जिसका मतलब है चारों पोर्ट्स जो है वो इनपुट पोर्ट्स हो जाते हैं। जब रीसेट पिन पे लो आता है तो माइक्रो कंट्रोलर नॉर्मल एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। ये सर्किट जो है ये पावर ऑन रीसेट का सर्किट है। पावर ऑन रीसेट का सर्किट में रीसेट पिन पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जैसे ही हम माइक्रोकंट्रोलर को पावर ऑन करेंगे वो रीसेट हो जाएगा। ये एक और सर्किट है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है, तो जब भी हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तब माइक्रोकंट्रोलर जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट के ये दोनों सर्किट्स हैं जो कि माइक्रोकंट्रोलर से हमको कनेक्ट करने रहेंगे। रीसेट पिन के बाद आते हैं हम क्लॉक पिन पे जो है पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19। XTL1, XTL2, इसको XTAL1 और XTAL2 भी बोल देते हैं। क्रिस्टल 1 एंड क्रिस्टल 2 पिन्स हैं ये। जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर में एक ऑन चिप ऑसिलेटर है, लेकिन इसको एक एक्सटर्नल क्लॉक लगती है रन करने के लिए, और जो एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड करते हैं वो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं जो XTAL1 और XTAL2 पिन्स के बीच कनेक्ट होता है, जैसा कि इस सर्किट में दिखाया गया है। इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ दो कैपेसिटर्स भी लगाते हैं 30 पफ के, जिसका जो एक टर्मिनल क्रिस्टल से कनेक्टेड होता है और दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। अगर हमें क्रिस्टल ऑसिलेटर नहीं यूज करना है, कोई एक्सटर्नल ऑसिलेटर यूज करना है, तो उसका कनेक्शन इस डायग्राम में है। तो XTAL1 पे हम वो क्लॉक सिग्नल देंगे और XTAL2 जो है वो नॉट कनेक्टेड रहेगा, अनकनेक्टेड रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे पोर्ट P0। पोर्ट P0 होता है पिन नंबर 32 से पिन नंबर 39 तक। पोर्ट P0 8 बिट का पोर्ट है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं P0.0 से P0.7 तक। इसको इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। पोर्ट P0 में ओपन ड्रेन कनेक्शन होता है। ओपन ड्रेन कनेक्शन का मतलब है इसमें हमको पुल अप रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे 10K के, जिसका दूसरा एंड कनेक्टेड रहेगा VCC से। पुल अप यानी रेजिस्टर्स का दूसरा एंड जो है वो हाई पे कनेक्टेड रहता है। पोर्ट P0 जो है, जब भी हम एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करते हैं तब पोर्ट P0 जो है वो यूज होता है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा लाइन की तरह AD0 टू AD7। पोर्ट P1 पे आते हैं। P1 है पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8। पोर्ट P1 भी 8 पिन का पोर्ट्स है, तो पोर्ट P1.0 से 1.7 तक। इसको इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें पुल अप रजिस्टर्स की जरूरत नहीं है जैसा कि पोर्ट P0 में जरूरत थी, यानी यहाँ पे ओपन ड्रेन कनेक्शन नहीं है। रीसेट पे ये पोर्ट कॉन्फ़िगर होता है एज इनपुट पोर्ट। जब भी माइक्रो कंट्रोलर रीसेट होता है तो सारे पोर्ट्स इनपुट पोर्ट पे कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। जैसा पोर्ट P0 में था कि वो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा लाइन की तरह यूज हो रहा था और इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह भी यूज हो रहा था, ऐसा कोई रोल पोर्ट P1 का नहीं है। अब हम आते हैं पोर्ट P2 पे। यह है पिन नंबर 21 टू 28। पोर्ट P1 की तरह इसके पास भी 8 पिन्स हैं, P2.0 टू 2.7। इसको इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें भी पुल अप रजिस्टर्स नहीं लगते। रीसेट पे ये भी इनपुट पोर्ट की तरह कॉन्फ़िगर हो जाता है, बट इसका ड्यूअल रोल है। ये हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन A8 टू A15 की तरह इसके पिन्स काम करती हैं जब हम एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करते हैं। ये पोर्ट P0 के साथ काम करता है। पोर्ट P3 पे आते हैं। पोर्ट P3 पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17 पे दिया हुआ है और P3 पोर्ट में भी 8 पिन्स हैं और ये इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज हो सकता है। बाकी पोर्ट्स की तरह ही इसमें पुल अप रजिस्टर्स की जरूरत नहीं है। P1 और P2 की तरह P0 में पुल अप रजिस्टर्स लगते हैं और रीसेट पे सारे ही पोर्ट्स इनपुट पोर्ट की तरह कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। बट नॉर्मली पोर्ट P3 को इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज नहीं करते। इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल सिग्नल्स आते हैं जिनके डिटेल्स अब इस टेबल में दिए हुए हैं। जो इसकी पहली पिन है और दूसरी पिन है वो यूज होते हैं RXD और TXD की तरह। ये सीरियल डेटा के साथ यूज होते हैं। RXD यानी रिसीव सीरियल डेटा और TXD यानी ट्रांसमिट सीरियल डेटा। 3.2 और 3.3 ये दो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स जो हैं वो इस पिन पे आते हैं, INT0 एंड INT1। फिर 3.4 और 3.5 हैं। ये टाइमर के सिग्नल है, टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए। जब भी टाइमर यूज होता है एज काउंटर तो इन दो पिन्स पे हम क्लॉक इनपुट्स दे सकते हैं। लास्ट में है हमारे पास 3.6 एंड 3.7, ये रीड बार और राइट बार सिग्नल हैं। WR बार यानी राइट बार, RD बार यानी रीड बार सिग्नल। ये यूज होते हैं जब हम एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल रैम कनेक्ट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, तब ये दो सिग्नल्स यूज करते हैं हम रीडिंग और राइटिंग के लिए एज कंट्रोल सिग्नल्स। अब आते हैं हम, तीन बची हैं पिंस, PSEN बार, ALE और EA बार पे, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले EA बार। EA बार स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। ये एक इनपुट पिन है, एक्टिव लो पिन है। एक्टिव लो यानी the pin will be active when it is low। इसको हमको VCC या ग्राउंड से कनेक्ट करना होता है, इसको हम ओपन नहीं छोड़ सकते। नॉर्मली इस पिन को हाई रखा जाता है, पर जब भी हम एक्सटर्नल रोम यूज करते हैं, जब भी एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी हम माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं, तब इस पिन को लो कर दिया जाता है। यानी लो इंडिकेट करता है इस पिन पे कि हम जो प्रोग्राम है वो एक्सटर्नल मेमोरी से रीड कर रहे हैं। PSEN बार पे आते हैं। PSEN बार स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टोर इनेबल, और ये भी एक एक्टिव लो पिन है, लेकिन ये आउटपुट पिन है। यानी ये सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर जनरेट करता है। जब भी एक्सटर्नल रोम यूज करते हैं तो एक्सटर्नल रोम से रीड करने के लिए इस सिग्नल को यूज किया जाता है। यानी ये रोम के OE बार पिन पे इसको कनेक्ट करते हैं, ताकि मतलब ये बेसिकली ये सिग्नल जो है रीड बार की तरह यूज होता है इन केस ऑफ कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल रोम। लास्ट पिन ALE। ALE स्टैंड फॉर एड्रेस लैच इनेबल। ये भी एक एक्टिव हाई आउटपुट पिन है, यानी माइक्रो कंट्रोलर से ये पिन आउटपुट पिन है, और ये यूज करते हैं हम ऑफकोर्स एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, लेकिन ये यूज की जाती है एड्रेस और डेटा लाइंस को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए। हमने पहले डिस्कस किया था कि पोर्ट P0 पे मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा लाइन देते हैं AD0 to AD7, तो ये एड्रेस डेटा लाइन को डीमल्टीप्लेक्स करना है। एड्रेस और डेटा को अलग अलग करने के लिए ALE को यूज करते हैं। अब हम देखेंगे डिटेल में एक्सटर्नल मेमोरी के कनेक्शंस। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैक्सिमम मेमोरी का साइज जो हम कनेक्ट कर सकते हैं 8051 से वो है 64K की कोड मेमोरी और 64K का डेटा मेमोरी। तो जब हम कोड मेमोरी या रोम इससे कनेक्ट करते हैं तब हम EA बार पिन का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हो कि जब एक्सटर्नल रोम कनेक्टेड है तो EA बार पिन को ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, लो किया हुआ है, और जब इंटरनल रोम यूज करते हैं तब हम इसको हाई कर देते हैं। EA बार इज इक्वल टू 1। अब एक्सटर्नल रोम कनेक्ट करते वक्त बाकी पिन्स कैसे यूज करते हैं, आप देखिए EA बार को लो किया हुआ है, जिसका मतलब है कि एक्सटर्नल रोम यूज हो रही है। पोर्ट P0 जो यूज होता है वो यूज होता है AD0 to AD7 के लिए, और ALE पिन देखिए लैच पे ALE इनपुट आ रहा है, और ALE इनपुट क्या करता है AD0 to AD7 में से A0 to A7 अलग कर देता है और D0 to D7 अलग आ रहा है। तो ये एड्रेस डेटा लाइन डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए हमने क्या यूज किया, ALE सिग्नल यूज किया। पोर्ट P2 जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन की जैसे, यानी A8 to A15 के लिए। और लास्टली PSEN बार कनेक्ट करते हैं OE बार, आउटपुट इनेबल बार पिन से रोम की, विच इज द रीड बार सिग्नल। दिस इज हाउ एक्सटर्नल रोम इज कनेक्टेड टू द माइक्रो कंट्रोलर। अब अगर हमें एक्सटर्नल रैम कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो एक्सटर्नल रैम के कनेक्शन के लिए आप देख रहे हो EA बार को हाई कर दिया है क्योंकि हम रैम कनेक्ट कर रहे हैं। अभी भी P0 और P2 का काम वही है। P0 से AD0 to AD7 निकला, ALE यूज करके एड्रेस लाइन अलग कर ली, डेटा लाइन्स अलग कर ली। पोर्ट P2 की जो A8 टू A10 लाइंस हैं वो हमने रैम पे दी है, क्योंकि इस रैम का साइज कितना है, इस रैम का साइज है 2K, और जब 2K की रैम है इसका मतलब है उसको एड्रेस करने के लिए हमको कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, हमको 11 एड्रेस लाइंस चाहिए। तो A0 टू A10 यानी 11 एड्रेस लाइन, तो 2 टू द पावर 11 इज 2K, 2 टू द पावर 10 इज 1K। तो इसकी जो रिमेनिंग एड्रेस लाइंस हैं पोर्ट P2 की टोटल 8 एड्रेस लाइंस हैं, तो उसमें से 3 यूज कर ली, तो रिमेनिंग जो 5 एड्रेस लाइंस हैं उनको हम IO लाइंस की तरह यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखोगे रीड बार और राइट बार सिग्नल, ये कहाँ था, पोर्ट P3 के लास्ट 2 पिन जो थे P3.6 एंड 3.7 वो रीड बार और राइट बार, ये सिग्नल भी कहाँ जा रहे हैं, ये रैम के रीड और राइट इनेबल पे जा रहे हैं, राइट इनेबल और आउटपुट इनेबल दैट इज रीड इनेबल पे। तो रीड बार राइट बार हम कब यूज करते हैं, जब हम रैम को कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल रैम को 8051 से कनेक्ट करते हैं। आई होप आपको सारे पिन्स का सारा फंक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब टाइम है क्वेश्चंस का, पार्ट 3 के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, और क्या है हमारे पास आंसर्स हैं, किसके लिए, जो पार्ट 2 में हमने क्वेश्चंस पूछे थे ये उसके आंसर्स हैं। तो आप आंसर्स, यू कैन गो थ्रू दी आंसर्स और आप चेक कर सकते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ConceptTech 2018 फॉर मोर सच वीडियोस, एंड कीप वाचिंग दिस सीरीज टू बी एन एक्सपर्ट इन microcontroller 8051. Thank you.